Good morning, everyone. First of all, congratulations. Finally, you all did it, especially class 12 student. अभी तक मुझे पता नहीं क्लास 10 का रिजल्ट आया है कि नहीं आया, बिकॉज आई वॉज क्वाइट बिजी. सो चेक करूँगी मैं, बट क्लास 12 के सारे स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से ढेरों सारे विशेज. एंड आई जस्ट होप कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी करें उसमें आपको बहुत सारी सक्सेस मिले. आई एम वेरी हैप्पी एंड आई हैव बीन हैप्पी आई हैव बीन वेरी हैप्पी फ्रॉम लास्ट डे, बिकॉज माय स्टूडेंट्स जिनको मैंने पढ़ाया है दे ऑल स्कोर्ड सो वेल इन देयर एग्जामिनेशंस. वन ऑफ माय स्टूडेंट्स स्कोर्ड 97 एंड द नेक्स्ट वन स्कोर्ड 95, 91. सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ माय स्कोर्ड इन 90s. सो एज अ टीचर इट इज़ एन अचीवमेंट फॉर मी. आई नो कि ऑल क्रेडिट गोज टू देम बिकॉज दे आर वेरी हार्ड वर्कर, बट अच्छा लगता है मुझे कि जब वो लोग ग्रैटिट्यूड शो करते हैं बहुत अच्छी फीलिंग होती है. एक टीचर के लिए उससे बड़ी बात नहीं हो सकती जब उनके बच्चे जो होते हैं वो अपने करियर में या अपने अपने एजुकेशन में सक्सेस हासिल करने लगते हैं. एक और चीज़ बेटा बिफोर स्टार्टिंग कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अच्छे स्कोर नहीं किए हैं. अच्छे स्कोर वाला वो जो टैगलाइन होता है ना इन अ डबल कोट कि अच्छा आपने 60 प्लस किया है या 70 प्लस में किया है, दैट मीन्स कि यू आर नॉट अ गुड स्टूडेंट. हम कितने ईजिली ना डेफिनेशन क्रिएट कर लेते हैं या कितनी ईजिली हम लोगों को कन्फाइंड करने लगते हैं अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग. आई हैव अ स्टूडेंट हुज नेम इज़ सृष्टि पाठक. She is very talented. Trust me, बच्चों, she is very talented. एंड ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसने स्कूल एबसेंट किया हो, कभी कोई क्लासेस मिस की हो. मतलब सबकी वो फेवरेट. एक होता है ना कि एक बच्चे होते हैं जो सबके फेवरेट होते हैं. एंड रिजल्ट आने के बाद पता चला कि उसने 73% स्कोर किया है. एंड आई थिंक ये बड़ा ही शॉकिंग था सबके लिए, सारे टीचर्स के लिए, उसके पेरेंट्स के लिए, उसके रिलेटिव्स के लिए कि ओ गॉड सृष्टि एंड बस 73%. बल्कि उसके क्लासमेट्स जो उससे थोड़े से कम पढ़ने में अच्छे थे उन्होंने ज़्यादा अच्छा स्कोर किया. आई एम नॉट बीइंग जजमेंटल टूवर्ड्स एनीवन. आई एम जस्ट सेइंग दैट कि शुरू से मैं अपने बच्चों से बोलती हूँ और अभी भी बोलूँगी मैं कि यू मार्क्स डोंट डिफाइन योर फ्यूचर. योर कंसिस्टेंसी, योर हार्ड वर्क, योर इंटेलेक्ट विल टेक यू अहेड. एट द एंड ऑफ द डे बच्चा मार्क्स कोई नहीं पूछता. हाँ, चार लोग पूछेंगे एग्ज़ाम्स के रिजल्ट आने के बाद. वो चार लोग जो दिखते नहीं हैं जल्दी हमें, या इन द फॉर्म ऑफ रिलेटिव्स होते हैं या कुछ सो कॉल्ड फ्रेंड्स होते हैं, वो चार लोग जल्दी दिखते नहीं हैं. बच्चा आज आप नया टॉपिक हो उनके लिए, कल दूसरा कोई टॉपिक होगा, वो उनको कुछ ना कुछ बोलने के लिए चाहिए होता है. बट आप अपसेट मत हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मार्क्स जो अच्छे नहीं लाते हैं वो अच्छे बच्चे नहीं होते हैं. I have known lots of people who scored in 60s in their time, in their board examination, and they are doing great in their lives. Trust me. बहुत सारे सिविल सर्विसेज में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिसने क्रैक किया है सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स, जो 60s वाले हैं, जो 70s वाले हैं. एंड बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं 90s में परसेंटेज लाने के बाद भी. सो मार्क्स कभी डिफाइन नहीं करता कि आप कितने नॉलेजेबल हो. एक और चीज़ है कि बहुत जल्दी हम डिक्टेट करना शुरू कर देते हैं कि ये तो पढ़ने वाला बच्चा नहीं है, ये तो पढ़ने वाला बच्चा नहीं है. इट्स ओके, अगर ये पढ़ने वाला बच्चा नहीं है तो कुछ और करने वाला बच्चा होगा. अब सारे जानवरों को पेड़ के पास खड़ा करके बोलो कि पेड़ पर चढ़ना है तो सब तो नहीं चढ़ पाएंगे ना. और पूरी ज़िंदगी वो यही सोचते रह जाएंगे कि यार हमारे अंदर तो काबिलियत ही नहीं है. कुछ पेड़ पर चढ़ने वाले होंगे, कुछ पानी में सर्वाइव करने वाले होंगे, कुछ आसमानों में सर्वाइव करने वाले होंगे. सबके अंदर कुछ ना कुछ काबिलियत होती है और हम हमेशा एक पर्टिकुलर स्टेट ऑफ फ्रेम में ही लोगों को जज करें ये ज़रूरी नहीं है. कुछ लोगों के अंदर पेंटर बनने की काबिलियत होती है तो कुछ लोगों के अंदर इंजीनियर बनने की काबिलियत होती है, बट आप उन दोनों को जज नहीं कर सकते हो सेम सेट ऑफ माइंड से. सो मेरे लिए बच्चे अगर 60 प्लस भी लेकर आते हैं या 90 प्लस भी लेकर आते हैं, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड बोथ डिड ग्रेट इन देयर एग्जामिनेशंस. क्योंकि दोनों ने ही बहुत मेहनत की है,
उसने अपने लहजे से मेहनत की है, इसने अपने लहजे से मेहनत की है, बट दोनों ने ही मेहनत की एंड दोनों ने ही अपना 100% दिया है. सो प्लीज़ डोंट बी सैड एंड जस्ट थिंक अबाउट योर फ्यूचर कि आने वाले समय में कोई भी आपके मार्क्स नहीं पूछेगा. वट दे रियली आस्क यू इज़ दैट कि आपने कितना नॉलेज गेन किया अपने स्कूल टाइम में. सो लेट्स स्टार्ट करते हैं. टुडे आई एम नॉट फीलिंग वेल और मैंने सोचा था कि आज मैं नई वीडियो अपलोड करूँगी, लेकिन सोचा कि चलो यार अब अपलोड करती ही हूँ क्योंकि मैंने एक ख़ुद को एक डेडलाइन दिया कि डेली एक वीडियो अपलोड करना है. एंड थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो बनाया 40 मिनट्स का, सिमिलर यही क्लास थी और मैंने अपने नोट्स के ज़रिए बनाया था. एंड अनफॉर्चुनेटली मिस्टिंगली मैंने वीडियो डिलीट हो गया मेरे से एंड परमानेंटली डिलीट हो गया. मैं अपनी ट्रैश में गई, जो ट्रैश बिन होता है वहाँ पे जाके चेक किया, वहाँ पे भी वीडियो डिलीट था. तो जो पहले वाला वीडियो मैंने बनाया है वो नोट्स के सहारे से था. तो पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगा कि कहते ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, शायद आप लोगों को नोट्स अच्छे से समझ में ना आता. बट इन फ्यूचर डेफिनेटली आई विल ट्राई विद दैट नोट्स ऑल्सो. बट अभी इस तरह से देखते हैं. अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो डेफिनेटली मैं आपको आंसर सेंड करूँगी एंड आप फिर मैच कर लेना. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे. एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा बच्चा कि जब भी क्वेश्चन पास्ट फॉर्म में होता है तो आपके आंसर भी हमेशा पास्ट फॉर्म में होने चाहिए. अगर वॉज है तो आपके जो आंसर होंगे वो पास्ट फॉर्म में होने चाहिए. लेकिन मैंने अक्सर बच्चों को गलती करते हुए देखा है कि वो हमेशा ही या तो प्रेजेंट फॉर्म में लिख देते हैं अपना आंसर या तो फ्यूचर फॉर्म में लिख देते हैं. इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा. बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कुछ बच्चों को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है. इट्स ओके होता है. पहला क्वेश्चन ये है कि फ्रांस उससे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो क्या चीज़ प्रिपेयर करके उस दिन स्कूल में जाए. बहुत ही ईजी आंसर है, आप आराम से लिख सकते हो. फ्रांस वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद पार्टिसिपल्स दैट डे एज MML हैड टोल्ड द क्लास दैट ही वुड बी टेकिंग अ टेस्ट ऑन द टॉपिक दैट डे. नहीं, आपको नहीं लगता कि फ्रेंड्स जो था वो प्रिपेयर्ड, MML ने कहा था कि पार्टिसिपल प्रिपेयर करके आना क्योंकि MML जो है वो फ्रेंड्स से पूछने वाले थे उस क्लास में. बहुत ही इजी आंसर है, आप आराम से लिख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड फ्रेंड्स नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे. अनयूजुअल मीन क्या होता है कि समथिंग स्ट्रेंज, ठीक है ना, जो कभी नहीं हुआ अब वो अनयूजुअल होता है, बिल्कुल मतलब नॉर्मल से हटकर. तो उस दिन स्कूल में फ्रेंड्स ने क्या नोटिस किया था कि अनयूजुअल था. बहुत सारी चीज़ें नोटिस की थी ना उसने. कुछ लिखते हैं जैसे कि यूजुअली व्हेन द स्कूल बिगिन देयर वुड बी अ लॉट ऑफ कमोशन ना, इवन इन आर स्कूल्स आल्सो, कि सब दौड़ रहे हैं किसी बैच का या किसी बैच का या किसी क्लास का असेंबली है तो वो दौड़ रहे हैं, बच्चे दौड़ रहे हैं, पढ़ाई चल रही है, ABCDA4APBB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 B
सो इस तरह का जो नॉर्मली होता है वो चीज़ उस दिन स्कूल में नहीं थी, बट दैट डे एवरीथिंग वॉज क्वाइट, क्योंकि उस दिन सब कुछ क्वाइट था. इट अपीयर टू बी लाइक अ संडे. फ्रेंड्स को लगा कि यार संडे जैसा मालूम हो रहा है, बच्चे भी नहीं दिख रहे हैं. फिर उसने देखा द स्टूडेंट वर एट द प्लेस. स्टूडेंट अपने प्लेस पे थे, बहुत शांति से बैठे हुए थे, और MML वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म. और जो MML है वो भी अपनी जगह पे खड़े थे और लेफ्ट राइट कर रहे थे, और उनके हाथ में उनके अंडर द आर्म्स बाजू के अंदर उनके नीचे उन्होंने एक डंडा लिया था, ठीक है, लोहे का डंडा. टेरिबल यहाँ पे इसलिए बोला है कि उस डंडे से बहुत लोगों ने बहुत मार खाया था. सो बहुत ही आसान से आप आंसर लिख सकते हो. आप अपने आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, एंड अगर मुझे लगेगा कि कुछ प्रॉब्लम है या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, डेफिनेटली आई विल कमेंट यू बैक, एंड मैं आपको बताऊँगी कि क्या मिस्टेक है क्या नहीं मिस्टेक है. एंड अगर ऐसे भी बच्चे हैं जिनको बिल्कुल भी लिखने नहीं आता है, वो चाहते हैं मेरी हेल्प, तो प्लीज़ आस्क मी विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन. आई विल ट्राई टू हेल्प यू जितना मेरे से हो पाएगा. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड. अरे क्या लगाया गया था बुलेटिन बोर्ड पे? आप सबको पता है ना कि क्या लगाया गया था. द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन ब्रॉट ऑल द रूटीन हसल बसल ऑफ द स्कूल लाइफ टू स्टैंड स्टिल. जो ऑर्डर था बर्लिन से वो लाया गया था, एंड उसी ने पूरे रूटीन को, जो हसल बसल वाला रूटीन था स्कूल लाइफ का, वो एकदम बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो गया था, बिल्कुल थम सा गया था. एक बात बच्चा हमेशा आप लोग याद रखिएगा,
ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि लिटरेचर में ना एलोबोरेटेड आंसर्स आप लोगों को लिखना बहुत ज़रूरी होता है। आई नो कि एक वर्ड लिमिट फिक्स की जाती है कि 30-40 में ही आपको समराइज करके लिख देना है, बट ट्रस्ट मी एज अ टीचर, मेरे पास भी 10th एंड 12th की कॉपीज आए हैं, एंड अगर कोई बच्चा अच्छा कंटेंट लिखा है एंड वो एक्सीड कर दिया है उस लिमिट को, फिर भी मैं मार्क्स देती हूँ। एंड आई गॉट सो इम्प्रेस्ड कि बच्चे लिटरेचर पढ़ रहे हैं, बच्चों का एक अलग परसेप्शन है, बच्चों का एक अलग थॉट है उस पॉइंट को लेकर, एंड बच्चे कंट्रोल नहीं कर पाए उसको लिखने से। तो कहीं ना कहीं एलोबोरेटेड वर्जन आपके दिमाग में होना चाहिए। एग्जाम्स में क्या होता है, अक्सर क्या होता है ना, हमारा माइंड स्लो काम करने लगता है एंड एकदम बिल्कुल लास्ट मिनट या लास्ट आप एकदम स्पीड पकड़ने लगता है। तो जो ज़्यादा अगर कंटेंट आपके दिमाग में होगा तो कुछ तो कंटेंट आप लिख पाओगे ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ा करो सो दैट कि जब एग्जामिनेशन का टाइम आए तो आपको कुछ याद रहे। लेकिन अगर आप कुछ ही पढ़ोगे, थोड़ा सा पढ़ोगे और एग्ज़ाम टाइम में, तो आपको बिल्कुल भी याद नहीं होगा। तो कंटेंट्स हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तो फिर से स्टार्ट से आप लिखना, जैसे कि ऑर्डर आया बर्लिन से, इसलिए रूटीन जो हसल बसल वाली रूटीन थी वो बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो गई। टीचर्स जो MML थे बिकेम मोर सिंपथेटिक टू हिज स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपथेटिक नहीं हो गए थे, बड़े जो लेसन्स थे वो बहुत ही ज़्यादा पेशेंटली पढ़ाना शुरू कर दिया था उन्होंने। द स्टूडेंट्स बिकम मोर अटेंटिव इन द क्लासेस, जो कि नॉर्मली होता नहीं है, स्टूडेंट्स मन लगाकर पढ़ते नहीं हैं, बट इस बड़े स्टूडेंट्स भी मन लगाकर पढ़ रहे थे। और जो पीछे बैग, हमेशा जो सिटिंग वाली बैग बेंचेस होती हैं जो खाली होती हैं, वो आज भरी पड़ी थी। क्यों? क्योंकि वो अपना रिस्पेक्ट एंड ग्रैटिट्यूड शो कर रहे थे, करने आए थे MML को, एंड रिग्रेट कर रहे थे कि उन्होंने क्यों नहीं स्कूल पहले ज्वाइन किया, या उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दिया। द ऑर्डर ऑल्सो ब्रॉट अबाउट अ ग्रेट चेंज इन द फीलिंग ऑफ अ पीपल। कहीं ना कहीं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, जो एक थीम भी है इस चैप्टर का, इस लेसन का हमारे, कि कहीं ना कहीं एक फीलिंग डेवलप हुई थी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी पीपल की टूवर्ड्स देयर कंट्री एंड देयर नेटिव लैंग्वेज। एट दैट टाइम दे रियलाइज दैट कि कितना इम्पॉर्टेंट है नेटिव लैंग्वेज हमारे लिए। जब उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिली, जब आराम से वो एक्सेस कर सकते थे उस लैंग्वेज को, कोई मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि मार मार के खुद पढ़ाने के लिए टीचर्स आते थे, अब वो चीज़ नहीं मिल पाएगी। एंड मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी ये चीज़ कही थी कि बेटा, कोई इंसान हो या कोई चीज़ हो, या हम खाने की बात करें, फूड की बात करें, घर की बात करें, हम इन सब चीज़ों को इतना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि अच्छा ठीक है, घर है तो है ना, इट्स नॉट अ बिग डील, सबके पास होता है खाना। अक्सर मामा कहती है ना हमारी कि खाने को अपमान ना करो, बहुत लोगों को नहीं मिलता। अरे यार, दाल चावल ही तो है, अक्सर मन भी नहीं करता हमारे खाने का, हम कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट करते हैं उस खाने को। बेटा, उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जिनके पास ये चीज़ें नहीं होती हैं। कहीं ना कहीं जो लाइफ आप जी रहे हो वो किसी ना किसी का ड्रीम होती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अंडरस्टैंड द वर्थ ऑफ समथिंग और समवन बिफोर लूजिंग, बिकॉज जब वो चीज़ चली जाती है तब आपको हमेशा अफसोस रह जाता है कि काश हमने उनकी वर्थ उनके रहते हुए समझ ली होती। सो आई जस्ट होप कि आंसर क्लियर होगा आप लोगों का। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन, मैं चैप्टर्स के क्वेश्चंस के आंसर्स भी आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट जो आप लोगों का है, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे, मतलब क्या चेंज आया था बर्लिन की तरफ से, जब ऑर्डर आया था स्कूल में क्या चेंजेस आए थे। फ्रेंड्स वॉज शॉक्ड, ऑब्वियसली शॉक्ड था ना, कि MML टोल्ड द स्टूडेंट्स की यार आप लोगों का ये फ्रेंच का लास्ट लेसन है। पता है फ्रेंड्स के अंदर क्या चीज़ आई थी, ही फॉरगॉट एवरीथिंग यार, उस अपने टीचर के रूलर को वो भूल गया था, क्रैंकीनेस को भूल गया था, ही डेवलप्ड द फॉन्डनेस, कहीं ना कहीं एक लवेबल कनेक्शन उसे फील हो रहा था MML से। उसे ये आइडिया बहुत ट्रबल कर रहा था कि MML कल से नहीं पढ़ाएंगे, वो सेपरेट हो जाएंगे, उससे दूर चले जाएंगे। उसके जो बुक्स थे जो उसे बिल्कुल ही इरिटेटिंग लगते थे, वो कहीं ना कहीं उसके ओल्ड फ्रेंड्स बन गए थे। उसे ऐसा लग रहा था कि मैं इनसे गिव अप नहीं कर सकता, मैं इन्हें नहीं छोड़ सकता। ही रियलाइज्ड विद पेन यार हाउ मच फ्रेंच मेंट टू हिम, उसे उस दिन एहसास हुआ कि फ्रेंच लैंग्वेज उसके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। सडनली ही फेल दैट द डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स हैड नेवर एक्चुअली बीन डिफिकल्ट। एंड वो कहते हैं ना कि जब आपका पढ़ने का मन हो ना होना, तो ईजी से ईजी चीज़ आपको डिफ़िकल्ट लगती है, बट आपका पढ़ने का मन हो तो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट मैथमेटिकल प्रॉब्लम भी आपको ऐसा लगता है कि चुटकी में आप सॉल्व कर लोगे। तो उस दिन उसको डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर, ठीक है ना, फ्रेंच ग्रामर, पार्टिसिपल इतनी आसानी से समझ में आ रहे थे कि उसे रियलाइज़ हुआ कि मैंने कभी मैं अटेंटिव था ही नहीं क्लास में। एंड जब रियलाइज़ हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी।
ओके नेक्स्ट है आप लोगों का, हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट MML इन स्कूल चेंज. फ्रेंड्स की क्या फीलिंग थी, उसने क्या फील कर रहा था वो MML के टूवर्ड्स और स्कूल चेंजेस के टूवर्ड्स, देखते हैं. एक मिनट रुकिए, आई एम जस्ट फॉरगॉट एंड स्कूल चेंजेस. एक मिनट रुकिए, जस्ट वेट अ मिनट, वेट अ. ओके 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 हाँ. तो फ्रेंड्स की फीलिंग क्या थी MML की तरफ से, सेम रिपीटेटिवली आप ये कह सकते हो कि खैर ये मैंने आंसर बताया है क्या, जस्ट वेट अ मिनट यार, डिस्कस किया था क्या, मुझे याद भी नहीं आ रहा. आई हैव अ शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस प्रॉब्लम, अगर बताया है तो प्लीज़ पार्डन मी एंड थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो. एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ. फ्रेंड्स की जो फीलिंग थी MML के टूवर्ड्स वो क्या थी, कि वो बिल्कुल चेंज, उसकी क्रैंकनेस को, उसकी रूडनेस को वो सब कुछ भूल चुका था. उसे कहीं ना कहीं एक वो लव वाली फीलिंग डेवलप हो गई थी उसके मन में, एंड उसे ऐसा लग रहा था कि यार कम ऑन, मतलब उसे बहुत बुरा फील हो रहा था कि ये मेरे से क्या हो गया, कि मैंने उनके रहते हुए क्यों नहीं इम्पोर्टेंस दिया. ओके और स्कूल की तरफ चेंज क्या आया था, सिमिलर वही चीज़ है, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, कि आप किस तरह से अब वो से फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ने का मन करने लगा था, एंड किस तरह से वो स्कूल ड्रॉप किया करता था, खेलने बाहर जाया करता था, उसे टेम्प्ट करती थी बाहर की चीज़ें, उसे वो रिवर पे जाता था, स्लाइड करता था. अब वो स्कूल में आना चाहता है, पढ़ना चाहता है, स्पेशली फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ना चाहता है. सो ये सारी चीज़ें मैं आपको बेटा नॉर्मली टीचर्स जो होते हैं वो नोट्स प्रोवाइड करते हैं, एंड बेसिकली मैंने जब डिस्कस किया अपने फ्रेंड से, मेरा राखी भाई, मैंने उसको बताया कि भैया इस तरह से मैं बच्चों को नोट्स नहीं प्रोवाइड कर रही हूँ, एंड आई रियली वांट टू क्रिएट मतलब डेवलप थिंकिंग इन देम आल्सो. तो उसने कहा कि अगर किसी बच्चे को नोट्स चाहिए होगा तो तुम प्रोवाइड कर सकती हो, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो बिल्कुल भी लिख नहीं पाते हैं. सो अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए होगा तो मैं प्लीज़ मैं आप लोगों के लिए नोट्स भी एक लिंक डाल दूँगी नोट्स का. नॉर्मली एक रिटन फॉर्मेट में है, एंड आई सीरियसली डोंट नो हाउ टू, मतलब रिटन फॉर्मेट को हम PDF फॉर्मेट में कैसे चेंज करते हैं, वो सीखना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम, एंड मैं थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हूँ. बट आई विल लर्न फॉर ऑल ऑफ यू, एंड डेफिनेटली आई अपडेट माई नोट्स. बट प्लीज़ बच्चा, प्लीज़ कॉपी पेस्ट वाली जो चीज़ है ना, प्लीज़ डेवलप मत करिएगा, जस्ट डेवलप योर ओन थिंकिंग, कि आप क्या समझ रहे हो, किस तरह की चीज़ है. एंड एक चीज़ इस चैप्टर में और है, जो भी क्वेश्चन है ना वो बहुत ही रिपिटेटिव में है, मतलब सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, कि फ्रेंड्स की फीलिंग क्या आती है MML के लिए, स्कूल के लिए क्या आती है, स्कूल में क्या हो रहा था लैंग्वेज को लेकर. तो कहीं ना कहीं सिमिलर काइंड ऑफ आंसर्स हैं, ठीक है ना, आप सिमिलर काइंड ऑफ कुछ कोर जो है वो थोड़ा सा चेंज है, और बाकी के आंसर्स आप सिमिलर लिख सकते हो दो तीन लाइन्स चेंज करके, कि अच्छा ऐसा ऐसा है, लेकिन जो कोर होगा, जो बेस होगा वो सिमिलर होगा. किस तरीके से फ्रेंड्स की फीलिंग थी, एंड किस तरह से फ्रेंड्स की जो फीलिंग थी वो कैसे कन्वर्ट हुई आफ्टर गेटिंग टू नो दैट, कि अच्छा अब फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, अब हम मेन एरिया में पहुँचते हैं. ओके द पीपल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रेशियस देयर लैंग्वेज इज टू देम. ओके व्हाट शोज यू दिस, व्हाई डज दिस हैपन. ओके पीपल, MML told the students and villagers that from tomorrow only German would be taught in the school of Alsek and Lauren. बोला था ना कि अब नहीं पढ़ाना, अब तो यही पढ़ाना है, जर्मन पढ़ाना है और फ्रेंच तो नहीं पढ़ाना है. लेकिन उसके साथ साथ फ्रेंड्स, उसके साथ साथ बच्चा लोग, उन्होंने ये भी बोला था कि डिस्क्राइब किया था कि वो कितने कनेक्टेड हैं उस लैंग्वेज से, और उन्होंने एक कहीं ना कहीं एक डेफिनेशन दिया था फ्रेंच लैंग्वेज का. उनको बताया था कि फ्रेंच लैंग्वेज कितना ब्यूटीफुल है, कितना लॉजिकल है, और साथ ही साथ एक और चीज़ बताई थी कि जो भी इंस्लेव्ड होंगे, ही सेड दैट फॉर द इंस्लेव्ड पीपल देयर लैंग्वेज वाज द की टू देयर प्रिजन. कहीं ना कहीं बेटा जो लैंग्वेज होती है वो हमारे थॉट्स से कनेक्ट होती है. जो हम थॉट्स, जो भी हम खुश होते हैं, दुखी होते हैं, नाराज़ होते हैं, जो भी हमारी बेसिक इमोशंस होते हैं, वो कैसे निकलते हैं, हमारे नेटिव लैंग्वेज में निकलते हैं. एंड अगर हमारे इमोशंस को अगर वर्ड्स नहीं मिलेंगे तो कहीं ना कहीं हम इन स्लेव्स तो हो ही जाएंगे.
तो अगर जब तक आपके पास आपकी लैंग्वेज की पावर है, तब तक कहीं ना कहीं जिस जेल में आप बंद हो उस जेल के लॉक की की आपके पास होती है। शायद फिजिकली आप बाहर ना निकल पाओ उस स्लेवरी से, लेकिन मेंटली आप आराम से कभी भी उस लॉक को ओपन करके आप आराम से अपने इनर सेल्फ को आज़ाद कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं उस टाइम पे द पीपल रियलाइज्ड हाउ प्रेशियस देयर लैंग्वेज वाज टू देम, एंड दिस शोज पीपल लव फॉर देयर ओन कल्चर, ट्रेडिशन एंड कंट्री। एंड कहीं ना कहीं एट दैट टाइम दे स्टार्टेड टू रियलाइज दैट कि ओ गॉड, मतलब कितनी बड़ी गलती हो गई, इतना ब्यूटीफुल, इतना लॉजिकल लैंग्वेज, एंड अपने अपना नेटिव लैंग्वेज नहीं सीखा, मतलब अपना नेटिव लैंग्वेज जिससे हमें कहीं ना कहीं एक कनेक्शन फील होता है अपनी कंट्री के लिए। प्राइड एंड वंस लैंग्वेज रिफ्लेक्ट प्राइड इन मदरलैंड, ये लाइन बड़ी ही मुझे अच्छी लगी थी अपने लिखी हुई, कि कहीं ना कहीं जब आप हिंदी को इम्पोर्टेंस देते हो तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज जो होता है ना बेटा, आपका नेटिव लैंग्वेज जो होता है वो इंटरकनेक्टेड होता है आपकी कंट्री से। तो अगर आप अपने मदरलैंड को बहुत प्यार करते हो, अपनी मातृभूमि को बहुत प्यार करते हो, तो आप अपनी मातृभाषा को भी प्यार करोगे इक्वली जितना कि आप अपनी मातृभूमि को प्यार करते हो। सो इट्स वेरी कॉमन, इट्स एक यूजुअली अंडरस्टूड होता है कि आप अगर किसी लैंग्वेज से प्यार कर रहे हो तो आप अपने आप क्यों प्यार करते हो, क्योंकि आप अपनी कंट्री से प्यार करते हो और उस कंट्री का लैंग्वेज, उस कंट्री से जुड़ी हुई हर चीज़ से आप प्यार करते हो। सो उस दिन रियलाइज़ हुआ पीपल को कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई, एंड उनके चेहरे पर ये चीज़ दिख रही थी किस तरह से वो बिल्कुल आवाज़ निकाले, बड़े क्वाइटनेस के साथ वो लिख रहे थे, जो जो MML बोल रहे थे वो तमाम सारी चीज़ें वो कर रहे थे। इवन विलेजर्स तक आए थे, ना कि सिर्फ ग्रैटिट्यूड और रिस्पेक्ट शो करने के लिए, बट लास्ट टाइम उनसे पढ़ने के लिए, बिकॉज इवन दे रियलाइज दैट कि हमने एक बहुत बड़ी चीज़ मिस कर दी है। नेक्स्ट जो है आपका, फ्रेंड्स थिंक्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, वॉट कुड दिस मीन। अब यहाँ पर एक चीज़ है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड मैंने ये क्वेश्चन अपने बच्चों को असाइनमेंट में दिया था। आई रियली वॉन्ट माई स्टूडेंट टू राइट समथिंग ऑन दिस टॉपिक, क्या मतलब था फ्रेंड्स का कहने का, क्या मतलब था, उसने क्यों एनिमल को डिनोट करने की कोशिश की, क्यों कहा कि क्या कबूतर से भी उसकी भाषा को छीन लिया जाएगा। सो ये होमवर्क मैं आपको दे रही हूँ, बिकॉज बेसिकली मैं आपको होमवर्क देने वाली हूँ, एंड जब भी मैं क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करूँगी, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके आंसर्स मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊँगी, बिकॉज मैं पहले सबसे पहले आपका परसेप्शन जानना चाहूँगी कि जब ये चीज़ आई तो आपने अपने दिमाग में क्या सोचा। मैंने कहा ना बच्चा आप लोगों से कि थ्री काइंड ऑफ परसेप्शंस जो होते हैं एग्जिस्ट करते हैं, द फर्स्ट वन इज़ राइटर, द सेकंड वन इज़ टीचर, एंड द लास्ट वन इज़ स्टूडेंट्स। तो आई रियली वांट कि आप क्या सोचते हो इस बारे में, ट्राई करो, जब भी आप लोग ये वीडियो सुनोगे ट्राई करो, एंड अगर नहीं आता है कॉमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे कॉमेंट करो, एंड देन आई विल टेल यू कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। सो दिस इज़ योर होमवर्क, आप लोग करना। नेक्स्ट है, व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। ये क्वेश्चन जो है ये आपको पता है कि क्या डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा है। मैंने इससे पहले आप लोगों को बताया लास्ट वाले आंसर में कि हमारा जो थॉट प्रोसेस होता है, हमारे जो इमोशंस होते हैं, हमारे नेटिव लैंग्वेज में ही निकलते हैं, एंड कहीं ना कहीं थॉट्स हमारे लिए जो होता है ना, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो होता है वो हमारे लिए बहुत मैटर करता है, बेसिक राइट होता है हमारा, इंडिया में भी है हमारा बेसिक राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच, हम चाहे तो जो भी बोल सकते हैं, कोशिश करिएगा कि वही बोलिएगा जो अच्छा हो, आपके बोलने से लोग डिस्ट्रैक्ट ना हो, एंड अगर डिस्ट्रैक्ट हो भी तो एक पॉजिटिव पाथ पे चले, ना कि नेगेटिव पाथ पे। आप अपने राइट्स का गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है बताया गया है कि कितना इम्पॉर्टेंट है नेटिव लैंग्वेज, और वो कहीं ना कहीं की है। इसके साथ साथ ये जो ये लाइन है जो कि जिसकी मीनिंग मैंने आप लोगों को बताई है, इसमें पूछा गया, कैन यू थिंक ऑफ एग्जाम्पल्स इन हिस्ट्री वेयर अ कंकर्ड पीपल हैड द लैंग्वेज टेकन अवे फ्रॉम देम और हैड अ लैंग्वेज इम्पोज्ड ऑन देम, दैट इज समथिंग हिस्टोरिकल। आई जस्ट लव हिस्ट्री whenever it comes into the path of literature, trust me, बड़ा amazing होता है। क्योंकि पहले जब मैं school time में थी तो I just hate history, लेकिन जब मैं graduation में आई और मैंने अपना एक subject history opt किया था, क्योंकि literature और history interconnected होता है,
आप जब लिटरेचर पढ़ोगे आगे चल के, क्योंकि मेरा मेन मकसद यही था कि मुझे इंग्लिश से ही पढ़ना है. सो बहुत मज़ा आता है. अब यहाँ पर जो क्वेश्चन एग्जैक्टली में पूछा गया वो ये पूछा गया है कि हिस्ट्री में ऐसा आपने कभी सुना है क्या कि जो जो कंकरर होते हैं, जो कब्जा करने के लिए जाते हैं या जो जीत हासिल करते हैं किसी दूसरी कंट्री में, उन्होंने कभी किसी कंट्री के साथ ऐसा किया है क्या बेटा, जहाँ पर उनकी नेटिव लैंग्वेज हटाकर अपनी लैंग्वेज को इम्पोज करने की कोशिश की है. देर आर लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स, यू कैन चेक आउट ऑन गूगल. एंड आई एम नॉट गोइंग टू टेल कि हिस्ट्री में आपको एकदम एग्जैक्टली नहीं बताऊंगी, बिकॉज आई रियली वॉन्ट कि आप जाओ चार एग्जाम्पल्स खुद ढूंढो कि ऐसी कौन कौन सी जगह थी जहाँ जहाँ हुआ था. एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि जो इंग्लिश इंग्लिश मतलब कि सिर्फ इंग्लिश वो नहीं, इंग्लिश पीपल मतलब कि ब्रिटिशर्स की बात की मैं कर रही हूँ, जो इंग्लैंड के पीपल थे उन्होंने बहुत कंकर किया है, बहुत ज़्यादा इन्वेजन्स किए हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, एंड बहुत इम्पोज करने की कोशिश की है अपने लैंग्वेज को. कहीं ना कहीं अपनी लैंग्वेज को उन्होंने सुपीरियर बताने की कोशिश की है एंड दूसरे लैंग्वेज को उन्होंने इंफीरियर बताने की कोशिश की है. आई एम टॉकिंग अबाउट एट दैट पर्टिकुलर टाइम, हिस्ट्री की बात कर रही हूँ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन अ रीसेंट टाइम, क्योंकि मैं जजमेंटल नहीं हो सकती. मुझे नहीं पता कि अब के लोग क्या सोचते हैं. कुछ अच्छे लोग होते हैं हर सेक्ट में, हर रिलीजन में, हर कंट्री में. सब बुरे नहीं होते, कुछ बुरे होते हैं एंड ज़्यादा अच्छे होते हैं. सो अभी मुझे नहीं पता कि वो लोग सुपीरियर समझते हैं कि नहीं अपनी लैंग्वेज को. कुछ लोग समझते होंगे, ज़्यादातर लोग नहीं समझते होंगे, बट उस टाइम पे लोग समझते थे. तो जब उन्होंने आयरलैंड पे अपना कब्जा किया था तो वहाँ की लैंग्वेज को, सेल्टिक लैंग्वेज को, सेल्टिक पीपल को, उनकी आयरिश लैंग्वेज को उन्होंने छीन लिया था और ज़बरदस्ती उनको बोला था कि सारे अपने जो भी कस्टम ट्रेडिशन जो भी होते हैं, जो उनके लैंग्वेज से रिलेट होते हैं, वो सब कुछ 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 कई किताबों को उन्होंने जला दिया था, सो दैट कि सिर्फ इंग्लिश ही चले. तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर हम अपने इंडिया का एक अच्छा एग्जाम्पल दे सकते हैं. जब हमारे यहाँ ब्रिट्स आए थे एंड किस तरह से इंग्लिश को उन्होंने इम्पोज करना शुरू कर दिया था, उन्होंने बताना शुरू कर दिया था कि इंग्लिश लैंग्वेज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज इन होल द वर्ल्ड एंड आप लोग को इंग्लिश आनी चाहिए. एंड अभी भी कहीं ना कहीं उस चीज़ का साइड इफेक्ट हमारे इंडिया में है कि इफ़ यू नो इंग्लिश दैट मीन्स कि यू आर टैलेंटेड वन, इफ़ यू डोंट नो इंग्लिश, इफ़ यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश दैट मीन्स कि ओ गॉड ये इतना गवार कैसे हो सकता है क्योंकि उसको इंग्लिश ही नहीं आती है. सो कहीं ना कहीं ये जो एक थॉट प्रोसेस है जो चला आया है बहुत टाइम से, अभी भी बहुत लोगों के अंदर है एंड आई थिंक कि चेंज करने की ज़रूरत है. सो आप लोग सर्च करिए गूगल पे एंड चार ऐसे एग्जांपल्स लिखिए एंड प्लीज़ कमेंट मी ऑन माय कमेंट बॉक्स, अपने आंसर्स देखिए और मैं चेक करूँगी कौन कौन से है. आप लोग पोर्तुगीज़ का एग्जांपल ले सकते हैं और इंग्लिश का एग्जांपल ले सकते हैं आप लोग, इंग्लैंड का, मतलब कि स्पेनिश इम्पोज किया गया एक टाइम पे, तुर्किस इम्पोज किया गया कर्ड्स पे. सो आई हैव लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स बट आई एम सेइंग राइट नाउ दैट कि प्लीज़ फर्स्ट डू योर होमवर्क. आप भी कुछ सर्च करो, आप भी कुछ पढ़ो एंड अपने आंसर्स आप मुझे भेजो एंड अगर इनकरेक्ट होंगे तो आई विल करेक्ट इट फॉर यू. ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगे मैं करेक्ट करूँगी. आप लोगों ने हिस्ट्रीज में कुछ गलत समझ लिया है मैं करेक्ट करूँगी. आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है रिटर्न में मैं करेक्ट करूँगी. बट आप लोगों को अपने साइड से मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि मैं बैठे बैठे आप लोगों को सारी चीज़ें प्रोवाइड करके मैं आप लोगों की क्रिएटिविटी को किल नहीं करना चाहती. मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के अंदर वो आइडियाज़ डेवलप हो. ओके एंड द लास्ट वन इट्स वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चन जो मैं बहुत रिलेट कर पाती हूँ इन अ करेंट सिनारियो ऑल्सो. इज़ इट पॉसिबल टू कैरी प्राइड इन वंस लैंग्वेज टू फार, डू यू नो वॉट लिंग्विस्टिक शोवनिज्म मीन्स. अब यहाँ पर क्या है कि मैंने आप लोगों को फर्स्ट या सेकेंड क्लास में अपने बताया था वीडियो में कि शोवनिज्म की मीनिंग बताया. सबसे पहले लिंग्विस्टिक शोवनिज्म क्या होता है. लिंग्विस्टिक समथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू लैंग्वेज, ठीक है ना, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज. इसके जगह मेल भी हो सकता है, इसके जगह नेशनलिस्ट भी हो सकता है. उससे रिलेट मतलब कि शोवनिज्म मतलब होता है कि आप किसी चीज़ पे इतना प्राइड फील करो, इतना घमंड फील करो कि उसके अलावा आपको कुछ और नज़र ना आए. मेल शोवनिज्म कौन होते हैं, वो इंसान होते हैं, वो आदमी होते हैं जो अपने आप को इतना सुपीरियर मानते हैं कि फीमेल सेक्शंस को, औरतों को वो बहुत ही एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं, हमेशा वो इन्फीरियर मानते हैं. एंड हमारे कल्चर में वो एक होता है ना कि मेल डोमिनेंस एंड पैट्रियार्कल सिस्टम चला आया है, अभी तक चलता आया है. लिंग्विस्टिक शोवनिज्म मतलब कि किसी को अपनी लैंग्वेज से इतना प्यार हो. प्यार करना अलग बात होती है बेटा, गर्व करना अलग बात होती है, पर अपनी लैंग्वेज पे
हद से ज़्यादा घमंड करना अलग बात होती है। कहते हैं देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन गुड एंड बैड, पता भी नहीं चलता है कब आप क्रॉस कर लेते हो। जब तक पॉजिटिव आउटकम है तब तक ठीक है, नेगेटिव उस चीज़ का आउटकम आने लगे दैट्स नॉट समथिंग गुड। एंड MML उस तरह के नहीं है, MML इस तरह के नहीं है, फ्रेंड्स इस तरह के नहीं है, विलेज पीपल इस तरह के नहीं है, क्योंकि वो नॉर्मली बहुत ही प्योर काइंड ऑफ लव है जो शो कर रहे हैं इस स्टोरी में। बट हम प्रशिया की अगर बात करें तो प्रशिया के जो लोग हैं जो जिन्होंने कॉन्कर किया है एल्जैक एंड लॉरेन को, वो लिंग्विस्टिक शोविनिज्म को शो कर रहे हैं, वो अपनी लैंग्वेज में इतना ज़्यादा फार चले गए हैं, इतना घमंड महसूस करने लगे हैं कि वो दूसरे की लैंग्वेज को, फ्रेंच को इन्फीरियर मानकर, उस लोगों से राइट छीन कर उस पर एक ऐसी लैंग्वेज को इम्पोज कर रहे हैं जो इंसान कनेक्शन ना फील करता उस लैंग्वेज से। एंड शोविनिज्म हर जगह होता है बेटा, नेशनलिस्ट शोविनिज्म भी है, नेशन को लेकर शोविनिज्म भी है। होता है ना कि आप जस्ट फॉर इंस्टेंस आई रियली वॉन्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, मेरा घर है एंड आई जस्ट लव माई होम, आई जस्ट लव माई होम, एवरीबडी डज। एंड ऑल ऑफ अ सडन मेरा एक फ्रेंड आता है एंड वो कहता है कि यार तेरे घर में जो है ना बड़ी देख ना उस साइड ना लास्ट में रूफ के बाहर ना कुछ टूटा फूटा है, एक काम कर तू उसको रेनोवेट करा ले तो तेरा घर और अच्छा हो जाएगा। मेरे पास दो रिएक्शंस होंगे, द फर्स्ट रिएक्शन वुड बी लाइक दिस कि थैंक गॉड यार तूने बता दिया, ओके। परफेक्शन तो हर कहीं पे भी नहीं होता बेटा, कहीं पे भी नहीं होता है, फिर भी आप इम्परफेक्शन को भी बहुत ही प्यार से एक्सेप्ट करते हो, दैट्स द बेस्ट क्वालिटी इन ह्यूमन बींग, ठीक है। तो आप कहते हो अच्छा ठीक है यार चल बता दिया, अब मैं इम्प्रूव कर लूँगा अपने घर को इम्प्रूव कर लूँगी एंड फिर और भी अच्छा हो जाएगा। द सेकेंड रिएक्शन वुड बी दैट हिम्मत कैसे हुई, ये बोलने की हिम्मत कैसे हुई कि मैं अपना घर जो है वो मेरे घर के अंदर कमी कैसे हो सकती है, एंड तू कौन होता है बोलने वाला, सो विच रिएक्शन इज करेक्ट। ऑब्वियसली द फर्स्ट वन, कमियां हर जगह होती हैं एंड हमेशा इम्प्रूव खुद को करना चाहिए, क्योंकि जिस वक्त आपने इम्प्रूव करना खुद को बंद कर दिया वहां पर आपकी ग्रोथ खत्म हो जाती है। लोगों से प्यार करना एक अलग बात होती है, पर लोगों से उस हद तक प्यार कर लेना जहाँ पर उनकी बुराइयाँ ना दिखने लगे आपको, ये चीज़ गलत होती है। हाँ आप किसी से प्यार कर रहे हो उसको आपको बताया कि उसके अंदर बुराई भी उसके अंदर अच्छाई भी है, दोनों को आप देख कर फिर एक्सेप्ट कर रहे हो, दैट्स गुड। बट बस सिर्फ आप अच्छाई देख रहे हो यानी बिल्कुल ही बुराइयों को इग्नोर करे जा रहे हो, आप सबसे बोलते हो कि उसके अंदर बुराई ही एग्जिस्ट नहीं करती है, दैट इज़ समथिंग यार बियॉन्ड थिंकिंग। बहुत मैटर करता है बेटा कि एक्सेप्टेंस वाली फीलिंग आनी चाहिए। द फर्स्ट स्टेप ऑफ एजुकेशन इज एक्सेप्टेंस। हाँ आई एम नॉट गोइंग टू फॉलो, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि अगर मेरे थॉट एग्जिस्ट करते हैं तो आपके भी थॉट एग्जिस्ट करते हैं, अगर मेरा लैंग्वेज मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है तो आपका लैंग्वेज आपके लिए खूबसूरत हो सकता है। ओके लेट मी टेल यू वन थिंग मोर, बेसिकली आई हैव कम्प्लीटेड माई स्टडीज़ फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड मेरी जो रूममेट थी वो हिंदू थी एंड एज़ यू नो कि मैं मुस्लिम हूँ। सो एक रैक मिला था हम लोगों को, एक स्टैंड मिला था बुक्स रखने के लिए, एंड सबसे ऊपर वाले जो मतलब एरिया में लेफ्ट साइड में कुरान रहता था एंड राइट साइड में ज्योति मेरी रूममेट थी उसके जो ग्रंथ होते थे वेदा या भगवद्गीता या रामायण वो रखे होते थे। हम दोनों सुबह उठते थे, हम दोनों सुबह फ्रेश होते थे, मैं नमाज़ पढ़ती थी तो कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करता था, कहीं ना कहीं को ना सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की, अरे यार हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डिस्टर्ब ना हो, बिकॉज वो एक ना डिवोशनल एक्ट में इन्वॉल्व है एंड अगर वो पढ़ रहे हैं तो मैं डिस्टर्ब ना क्रिएट करूँ। एंड फिर हम दोनों अब फ्री होने के बाद एक दूसरे से बातें किया करते थे, ऐसा नहीं है कि मतलब ज्योति मस्जिद में आके नमाज़ पढ़ने लगेगी एंड मैं मंदिर में जाकर पूजा करना शुरू कर दूँगी, बट वी अप्रिशिएट ईच अदर्स रिलीजन। अच्छा लगता था कि अच्छा गीता में ये लिखा हुआ है, मेरे घर में ट्रस्ट मी बच्चा भगवत गीता है, बाइबल है, कुरान है एंड आई हैव रेड एवरी थिंग एंड द फर्स्ट थिंग विच आई हैव लर्न फ्रॉम ऑल द रिलीजन इज दैट कि जस्ट प्रोपोगेट द मैसेज ऑफ पीस एंड ह्यूमैनिटी। सभी रिलीजन यही चीज़ सिखाते हैं, सभी रिलीजन यही चीज़ सिखाते हैं। सो बेसिकली माय पॉइंट इज दैट कि एक्सेप्ट, अगर आपकी लैंग्वेज आपके लिए ब्यूटीफुल है तो दूसरे की लैंग्वेज उसके लिए ब्यूटीफुल हो सकती है, अगर आपका कंट्री आपके लिए सबसे बेस्ट कंट्री है
तो दूसरे की कंट्री उसके लिए सबसे बेस्ट कंट्री हो सकती है। सो अपनी सुपीरियरिटी दिखाने के लिए लोगों को इन्फीरियर दिखाना ज़रूरी नहीं होता है। माई इंडिया इज़ ग्रेट कंट्री, दैट्स इट, फुल स्टॉप, एंड ऑफ द डिस्कशन। बट माई इंडिया इज़ ग्रेट कंट्री बट अमेरिका इज़ नॉट, आयरलैंड इज़ नॉट, स्कॉटलैंड इज़ नॉट, पाकिस्तान इज़ नॉट, दैट स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। सो बेसिकली एक्सेप्टेंस लाओ अपने अंदर, एंड आई रियली वॉन्ट कि जब भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊँ आप कुछ ना कुछ एक नई चीज़ें सीख कर जाओ, एंड जस्ट इम्प्लीमेंट ऑल द लेसन्स विच आई एम ट्राइंग टू टेल यू। एंड जैसे मैंने आपको बोला कि ये सब मेरे थॉट्स हैं जो मैं अपने बच्चों तक पहुँचाना चाहती हूँ, बट अगर आपके अलग थाट है, अच्छे हैं थाट, पॉजिटिव थाट हैं एंड मैच नहीं करते हैं, इट्स ओके, दैट्स योर थाट, दैट्स योर परसेप्शन, एंड यू ऑल्सो हैव राइट कि आप वो परसेप्शन, वो थाट्स रख सकते हो किसी चीज़ के बारे में, इट्स ओके, इट्स ओके, कोई कंट्रडिक्टरी वाली बात नहीं है। बात यहाँ पर एक्सेप्टेंस की है, एंड हो सकता है कि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही हूँ, हो सकता है कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही हैं, एंड ये भी हो सकता है कि हम दोनों ही गलत नहीं हैं, दोनों ही सही हैं। अलग अलग डायमेंशंस हो सकते हैं ट्रुथ के, ज़रूरी नहीं होता है कि एक ही फैक्ट होता है, अलग अलग फैक्ट्स हो सकते हैं। सो आई जस्ट होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, दैट्स इट, ये जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने सारे सब कुछ डिस्कस कर लिए हैं, एंड आई जस्ट होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आई होंगी। एंड नेक्स्ट जो वीडियो है मैं 11th क्लास के लिए अपलोड करूँगी, एंड किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होगी बच्चा, प्लीज़ 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 डू कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स। इफ़ यू रियली डोंट वांट टू लाइक माय चैनल, इट्स ओके, इफ़ यू रियली डोंट वांट टू सब्सक्राइब माय चैनल, इट्स ओके, बट अगर कुछ भी बेनिफिट हो रहा है आपको मेरे पढ़ाने से, बिकॉज दैट्स द मेन इंटेंशन, अगर मुझे लगेगा कि मैं एक साल तक पढ़ा रही हूँ एंड कोई बच्चा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, कोई बच्चा मेरा वीडियो नहीं देख रहा है, सो कहीं ना कहीं वो मेरे लिए अनफॉर्चुनेटली मुझे लगेगा कि शायद मैं बच्चों के लिए, बच्चों को वो एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर पाई जो वो डिज़र्व करते थे। मेरा मेन इंटेंशन यूट्यूब पे आने का सिर्फ और सिर्फ यही है कि मैं उन तमाम बच्चों तक एजुकेशन को पहुँचा सकूँ, प्रॉपर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे पाऊँ इंग्लिश लिटरेचर को लेकर स्कूल लेवल के बच्चों को, जिन लोगों को नहीं मिल पाता है प्रॉपर गाइडेंस। आई जस्ट होप कि यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर लाइफ, एंड जो भी 12th के बच्चे हैं जस्ट एन्जॉय, पार्टी हार्ड, एंड इन दिस क्रिटिकल टाइम, क्योंकि ये पैंडेमिक जो है, ये जो वायरस है जो बहुत कुछ बुरा लेकर आया है लेकिन बहुत कुछ अच्छा भी सिखा रहा है, सो डोंट वरी, स्पेशली 12th एंड 10th के बच्चे तो बिल्कुल भी पैनिक ना क्रिएट करें। एक प्लेटफॉर्म आपके पास है जहाँ पर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, एंड वी टीचर्स टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप लोगों तक प्रॉपर गाइडेंस पहुँचेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। सो डोंट पैनिक, अगर फिर भी आप लोगों को लग रहा है कि कहीं कुछ कमी रह गई है, या मैम आप वो भी टॉपिक पढ़ा दीजिएगा, या कुछ और भी आप लोगों को मुझसे पढ़ना होगा, डेफिनेटली टेल मी, मैं कोशिश करूँगी वो चीज़ पढ़ाने की। ओके, टेक केयर, टेक ऑल द प्रिकॉशंस, कोशिश करिए कि अच्छे से अच्छा काम करें, कोशिश करिए कि हर दिन कुछ ना कुछ एटलीस्ट एक एक्ट, काइंड एक्ट करें, एंड उसे नोट डाउन करें, सो दैट कि जब ये पूरा साल बीते, चाहे वो कितने भी डेज का ही क्यों ना हो, या एट द एंड ऑफ योर एग्जामिनेशन जब आप ये नोटबुक ओपन करके देखें, ये जो बहुत ही अलग साल रहा है 2020, अलग साल है ये, तो आपको पता चलेगा कि व्हेन इस टाइम में ह्यूमैनिटी की बहुत नीड है, एंड you have opportunity to be a hero in someone's life, so us opportunity ko jaane mat do, koshish karo apne aas paas dekho, kisi ko bhi zarurat hai, chahe wo quantity mein kitni bhi kam kyun na ho, but matter karta hai ki aap kitni quality of intention se use de rahe hain, so just try to be more human every day. Bye bye.